नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ताहिर खान। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। नौ लोकसभाओं में हुए मतदान के बाद अब ईवीएम में माननीयों का जो भविष्य है वो कैद हो गया है। राजधानी भोपाल की सातों ही विधानसभा की जो ईवीएम है वो भोपाल की पुरानी जेल में बंद कर दी गई है। थ्री लेयर से यहाँ पर उनको सुरक्षा दी जा रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। मैं इस वक्त पुरानी जेल में ही मौजूद हूँ, जो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो बाहरी क्षेत्र है वहाँ पर पुलिस का कड़ा पहरा है। किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। बाहरी व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जा रही है। जो राजनीतिक दल हैं उनके जो लोग हैं वो यहाँ पर निगरानी के कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि भोपाल लोकसभा में 7 मई को मतदान हुआ था। मतदान के बाद जो ईवीएम है वो यहाँ पर पहुँची थी और पहुँचने के बाद जो लगातार दिन देर रात तक यहाँ पर ईवीएम जमा होती रही। कड़ा सुरक्षा है यहाँ पर, पुलिस यहाँ पर पहरेदारी कर रही है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के अरुण श्रीवास्तव वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने यहाँ पर जायज़ा लिया और उसके बाद वो यहाँ की व्यवस्थाओं से भी संतुष्ट कहीं ना कहीं नज़र आए थे। तो आप साफ है कि 4 जून को नतीजे आएंगे और जो ईवीएम है वो किसका भविष्य का पिटारा खोलेगी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं, तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं। मेरे साथ पुलिसकर्मी भी हमसे बात करने की यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा। सर, ईवीएम यहाँ पर कैद है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है? नहीं, ये हम बता नहीं पाएंगे। सुरक्षा के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से बात। तो साफ है, राजधानी भोपाल में जो मतदान हुआ था उसके बाद ईवीएम है वो देर रात तक यहाँ जमा होती रही और ईवीएम को यहाँ पर जमा करवा दिया गया है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन सहित तमाम जो अमला है वो यहाँ पर चौकसी बनाए हुए हैं। तमाम सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर हैं और जो ईवीएम है उसको यहाँ पर सुरक्षा दी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग लगातार जारी है। किसी भी भारी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। भोपाल में करीब 2000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए थे। उन मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ, उसके बाद जो मतदान दल हैं उन्होंने यहाँ पर ईवीएम को जमा करवाया है और जो मॉनिटरिंग है वो इस समय यहाँ पर देखने को मिल रही है। मोहम्मद ताहिर खान, प्रभासाक्षी न्यूज, भोपाल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।